आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्रिकेट के मैदान में भिड़े भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज, विराट और गंभीर के बीच हुई तीखी झड़प और शर्मसार हो गया क्रिकेट। बीसीसीआई ने कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर की कार्रवाई। आईपीएल 2023 के 43वें मुकाबले में तो कुछ खास दम दिखा नहीं, लेकिन इस मैच के बाद जो हुआ उसने सभी का ध्यान इस मैच की ओर मोड़ दिया। वैसे तो गौतम गंभीर और विराट कोहली की राइवलरी पुरानी है, लेकिन इस बार दोनों कैमरे के सामने ही भिड़ गए। ये विवाद शुरू हुआ था अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक से, जिसकी मैच के दौरान विराट से कहा सुनी हो गई। फिर हैंडशेक के बाद ऐसा बवाल कटा कि मैदान पर ही मानो गैंग वॉर शुरू हो गया। इस वाकये के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर इन तीनों खिलाड़ियों को सजा सुनाई है। बीसीसीआई ने इस मामले में एक्शन लेते हुए विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गंभीर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 100% मैच फीस जुर्माना लगाया। इसके अलावा अफगानिस्तान के नवीन उल हक को बोर्ड ने सजा देते हुए उनके ऊपर 50% मैच फीस का जुर्माना ठोका। आपको बता दें कि विराट और गंभीर के बीच दुश्मनी 10 साल पुरानी है, लेकिन इस आईपीएल में इसकी शुरुआत 13 दिन पहले बेंगलुरु में खेले गए मैच से हुई, जहां लखनऊ ने आरसीबी को उसी के घर में मात दे दी। और इस जीत के बाद गंभीर का जो रिएक्शन सामने आया वो बेहद आक्रामक था। अब जब कल आरसीबी ने लखनऊ में लखनऊ को हरा दिया तो विराट कोहली का रिएक्शन बाहर आ गया। बहरहाल कल क्रिकेट के मैदान में जो कुछ हुआ वो क्रिकेट जगत के लिए किसी काले दिन से कम नहीं था। खिलाड़ियों के आपसी झगड़े में चाहे जो जीते, मगर हार क्रिकेट गया। इन तस्वीरों को क्रिकेट फैंस जितना जल्द हो सके भूल जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।